Attitude is choice, happiness is choice, kindness is choice, giving is a choice, respect is a choice. Whatever choice you make makes you, and learning habit is also choice for a student. So choose wisely. अर्थात जैसा हम चयन करते हैं, जैसा हम बनाते हैं, जो चयन हम बनाते हैं वही हमको बनाता है. और बोला भी गया है कि जैसी आपकी सोच होगी वैसा हम बन जाते हैं. सो अपना चॉइस जो है बहुत अच्छे से चॉइस कीजिएगा. सो स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में. ये हमारा है आज लेक्चर नंबर 20. सब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट. यूनिट नंबर 5 कंप्लीट हो गया था, हम यूनिट नंबर 4 आज शुरू करने जा रहे हैं. आज का टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज. आज का तारीख है 13 अप्रैल 2020. सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जनरेटर, उसके मॉडल नंबर के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट आया है. मॉडल नंबर वहाँ पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारे मॉडल आप लोगों ने कमेंट किया है. सो शुरू करते हैं आज व्हीटस्टोन ब्रिज का. ये जो टॉपिक है ये इसमें है इम्पीडेंस ब्रिजेस एंड क्यू मीटर, यूनिट नंबर 4. आपका 50% सिलेबस हो चुका है जैसे कि आप लोग को पता है. सो शुरू करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज यूनिट नंबर 4. तो यूनिट तो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसके इसमें है ब्रिज. तो सबसे पहले हम लिखते हैं ब्रिज सर्किट क्या होता है. व्हाट इज ब्रिज सर्किट. ब्रिज को बोलते हैं हिंदी में सेतु, जिसकी चार भुजाएं होती हैं, बीच में गैल्वेनोमीटर या फिर डिटेक्टर होता है जिसमें हम लोग सप्लाई दे करके उसको एक्साइट करते हैं. नॉर्मल अगर ब्रिज की बात बोला जाए तो ब्रिज सर्किट. सो इट इज़ यूज इन इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम फॉर द मेजरमेंट ऑफ रजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. इसका मेनली उपयोग होता है आर, एल और सी को मेजर करने में इंस्ट्रूमेंटेशन फील्ड में. ब्रिज का अगर मैं ब्रिज का क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ब्रिज को मेनली दो भागों में बांटा गया है, डीसी ब्रिज और एसी ब्रिज. तो डीसी ब्रिज का मेनली उपयोग किया जाता है मेजरमेंट ऑफ आर के लिए, रेजिस्टेंस मेजर के लिए मेनली हम लोग डीसी ब्रिज का प्रयोग करते हैं. एसी ब्रिज का प्रयोग किया जाता है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के मेजरमेंट के लिए. सो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन ब्रिज जो है मेनली मेजरमेंट ऑफ आर के लिए प्रयोग किया जाता है. एक और ब्रिज है जिसको बोलते हैं केल्विन ब्रिज, और उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है केल्विन डबल ब्रिज. मेनली लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए केल्विन ब्रिज का उपयोग किया जाता है. एसी ब्रिज हम आने वाले क्लास में देखेंगे. एसी ब्रिज है जो एल और सी को मेजर करेंगे. आज का जो मेन क्लास का हमारा कंसंट्रेशन रहेगा मेजरमेंट ऑफ आर रहेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा क्योंकि टॉपिक है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज. तो देखते हैं इसको शुरू करने से पहले हम देखते हैं रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस को तीन अलग अलग भागों में बांटा गया है उसके रेंज के हिसाब से या उसके वैल्यू के हिसाब से, लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस. जब लो रेजिस्टेंस की बात करूँ तो अंडर वन ओम के जितने रेजिस्टेंस है वो लो रेजिस्टेंस में आएंगे. मीडियम रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 1 ओम से लेकर के 0.1 मेगा ओम तक मीडियम रेजिस्टेंस में आएंगे. हाई रेजिस्टेंस की बात करूं तो एबव 0.1 मेगा ओम के जो रेजिस्टेंस रहेंगे उसको हम लोग बोलेंगे हाई रेजिस्टेंस. व्हीटस्टोन ब्रिज का मेनली उपयोग किया जाता है मीडियम रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए. मीडियम रेजिस्टेंस के और विधियां जो हैं वो है अमीटर वोल्टमीटर मेथड, ये मीडियम रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड और फोर्थ है आपका ओम मीटर मेथड. चूंकि हम लोग का टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज तो हम लोग देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड. तो यहाँ से एक चीज़ निकल के सामने आई कि इसका उपयोग रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है, रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग. कौन से रेजिस्टेंस को बोलने से, मीडियम रेजिस्टेंस, और रेंज बोलने से 1 ओम से लेकर के 0.1 मेगा ओम. सो लेट सी द व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड. सो लेट सी द थ्योरी बिहाइंड दैट व्हीटस्टोन ब्रिज. A very important device used for measurement of medium resistance is Wheatstone bridge. ये बहुत महत्वपूर्ण डिवाइस है जिसका उपयोग हम लोग मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं. इट इज़ एन एक्यूरेट एंड रिलेबल इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सटेंसिवली यूज इन इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीज में इसका नॉर्मली उपयोग किया जाता है जो बहुत एक्यूरेट है, रिलेबल है और ज़्यादातर उपयोग में आने वाला क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, यंत्र है. द ब्रिज इज ऑपरेटेड ऑन नल इंडिकेशन प्रिंसिपल. ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, नल इंडिकेशन पे. जीरो इंडिकेट करेगा तो गैल्वेनोमीटर बीच में लगा हुआ है उसको हम लोग देखेंगे कि जीरो इंडिकेट
के जो है कैसे करता है, तो नल इंडिकेशन प्रिंसिपल या सिद्धांत पे ये कार्य करता है। एक्यूरेसी की बात करूँ तो एक्यूरेसी आप 0.1% क्वाइट कॉमन, तो इसकी एक्यूरेसी नॉर्मली 0.1% होती है, कॉमन होता है अधिकतर, एज अपोज टू 3-5% आप ओम मीटर मेथड, जो ओम मीटर मेथड होता है उसका जो एक्यूरेसी होता है वो 3-5% होता है, जिसका उपयोग मीडियम रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। इसके सर्किट की बात देख लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, ब्रिज में चार भुजाएं हैं, ठीक है, चार पॉइंट है इसमें, ए बी सी डी, चार पॉइंट हमने डिनोट किया है। बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो नल इंडिकेट करेगा। चार प्रकार के रेजिस्टेंस हैं, पी क्यू आर एस, जहाँ एस जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये सोर्स है हमारा ई, ये बैटरी है ई। तो देखते हैं ये जो है वर्क कैसे करता है व्हीटस्टोन ब्रिज। सो लेट्स सी द थ्योरी बिहाइंड दैट वन। इट हैज़ फोर रेजिस्टिव आर्म, इसकी चार रेजिस्टिव भुजाएं होती हैं, जो प्रतिरोध वाली भुजाएं हैं, चार भुजाएं हैं, कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस पी क्यू आर एंड एस, दैट टुगेदर विथ ए सोर्स ई एंड ए नल डिटेक्टर। नल डिटेक्टर बोले थे, नल डिटेक्टर यूजुअली गैल्वेनोमीटर जी और अदर सेंसिटिव करंट एलिमेंट इज यूज। तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करेंगे या फिर अदर करंट सेंसिटिव एलिमेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि हमको नल इंडिकेट जो है नल इंडिकेट कर सके। सो द ब्रिज इज सेट टू बी बैलेंस। ब्रिज को हम लोग संतुलन की अवस्था में बोलेंगे, कब बोलेंगे, वेन नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर और वेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज जीरो। तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, या उसके थ्रू जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आगे देखते हैं इसमें। सो लेट्स सी द थ्योरी बिहाइंड दैट वन। दिस अकर्स व्हेन द वोल्टेज फ्रॉम गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। हम लोग देखा इसमें नल इंडिकेटर है, नल इंडिकेटर के रूप में गैल्वेनोमीटर लगा है, उसके थ्रू करंट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। सो दिस अगर व्हेन द वोल्टेज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए द वोल्टेज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए इक्वल्स द वोल्टेज फ्रॉम पॉइंट डी टू ए, ये दोनों वोल्टेज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी इसके थ्रू कोई करंट नहीं होगा। या फिर और बाय रेफरिंग टू अदर बैटरी टर्मिनल्स, व्हेन द वोल्टेज फ्रॉम पॉइंट डी टू सी, पॉइंट डी टू सी कौन सा है, ये इक्वल्स द वोल्टेज फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, इन दोनों का वोल्टेज इक्वल हो जाएगा तो करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो फॉर ब्रिज बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, इन दोनों करंट की वैल्यू जीरो, मतलब इन दोनों करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, यहाँ से जो करंट जा रहा है यहाँ से जो करंट जा रहा है। सो ब्रिज बैलेंस की कंडीशन हो जाएगा आई वन इंटू पी इज इक्वल टू आई टू इंटू आर, तो ये आपका ब्रिज बैलेंस का मेन कंडीशन है, आई वन इंटू पी इज इक्वल टू आई टू इंटू आर। यहाँ पे जो करंट के वैल्यू है उसको मैंने I1 से डिनोट किया है, यहाँ पे I2, वहाँ पे I3 के डिनोट किया है, यहाँ I4 से डिनोट किया है। आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। सो बैलेंस कंडीशन में हमने देखा I1 इंटू पी इक्वल टू I2 इंटू आर, इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर वन दिया। सो फॉर द गैल्वेनोमीटर करंट टू बी जीरो द फॉलोइंग कंडीशन आल्सो एग्जिस्ट। आगे बढ़ते हैं तो I1 I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, I1 इक्वल टू I3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बैटरी डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, तो पी प्लस क्यू, ई डिवाइड बाई पी प्लस क्यू, जो भी वोल्टेज है डिवाइड बाई ये पी प्लस क्यू। आई टू इक्वल टू आई फोर हो जाएगा, ई डिवाइड बाई आर प्लस एस, ये इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर थ्री। सो कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर वन टू और थ्री, तो मैं इक्वेशन नंबर वन को फिर यहाँ पुटअप कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आई वन इंटू पी इज इक्वल टू आई टू इंटू आर, P जो है ब्लैक में लिखा है, R जो है ब्लैक में लिखा है, दोनों को हम लोग ऐसे सब्स्टिट्यूट के दिए P और R को। I1 की वैल्यू है इक्वेशन नंबर टू से E डिवाइड बाई P प्लस क्यू, I2 की वैल्यू है इक्वेशन नंबर थ्री से E डिवाइड बाई R प्लस S। इन दोनों को मैं जो है अगर कैंसिल आउट करूँ, सॉल्व करूँ इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आंसर आ रहा है क्यू आर इक्वल टू पी एस, क्यू आर इक्वल टू पी एस। आगे देखते हैं इसमें क्यू आर इक्वल टू पी एस हमको मिला है इक्वेशन नंबर, समझ लीजिए इसको फोर, इक्वेशन नंबर फोर। सो लेट्स सी।
सो लेट्स सी द फाइनल कंक्लूजन. क्यू आर इक्वल टू पी एस हमने जो है फाइंड आउट किया था इक्वेशन नंबर फोर. इक्वेशन नंबर फोर इज वेल नोन इक्वेशन फॉर द बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. ये वेल नोन एक्सप्रेशन होता है या एक इक्वेशन होता है बैलेंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए. सो इफ द थ्री ऑफ रेजिस्टेंस आर नोन द फोर्थ में बी डिटरमाइंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फोर. इक्वेशन नंबर फोर से अगर मैं आर की वैल्यू निकालूं तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा एस इन टू पी बाई क्यू. ठीक. सो वेयर आर इज अननोन रेजिस्टेंस. आर क्या होता है यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस. एस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड आर्म स्टैंडर्ड भुजा और पी आर क्यू आर कॉल्ड रेशियो आर्म. तो इसके नामकरण. तो ऐसे हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से. अब गूगल करके इसका जो है फ्रंट पैनल का डायग्राम भी देख सकते हैं. अगर आप चाहें तो फ्रंट पैनल का डायग्राम भी बना सकते हैं. अदरवाइज इतना जो है सफिशेंट है. सो हमेशा की तरह आप जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के मैन्युफैक्चरर जो डिवाइस है व्हीटस्टोन ब्रिज का मैन्युफैक्चरर और मॉडल नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे. मैन्युफैक्चरर और मॉडल नंबर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है. और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एसी ब्रिजेस. सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए. धन्यवाद सभी का.